आपको बताऊं कि ये जो फिल्म है ये एक फिक्शन फिल्म है, वो अतुल अग्निहोत्री क्या है उसका नाम, मैं अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से उसको राज्यसभा एमपी बना ले, वरना वो पता नहीं क्या क्या बना लेगा। इन सबको होता है, आजकल एक नया फैशन निकला है, चाहे वो अनुपम खेर साहब हैं, ये इन सबका एक है भी हमें राज्यसभा जाना है, इनको चाहिए उनको राज्यसभा में बनाए, अदरवाइज दे विल ड्राउन दिस कंट्री इन हेट एंड हेट। हालांकि गुपकार अलायंस का हिस्सा रह चुके सज्जाद गनी लोन ने आज पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप कश्मीर फाइल्स को किस तरह से देखते हैं, हालांकि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का जिक्र करते हैं या महबूबा मुफ्ती जी का जिक्र करते हैं या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का जिक्र करते हैं, तो वो लगातार इस फिल्म को लेकर जो है कटाक्ष साधते हुए नजर आ रहे हैं। और आज एक बार फिर से सज्जाद गनी लोन द्वारा जो है एक बयान दिया गया है, हालांकि उनका ये कहना है, जब आपने सुना कि सबसे पहले उनको जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री जी, मैं सज्जाद गनी लोन जी को बताना चाहूँगा कि द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी है, ये याद रख लें कि आपको उनका नाम नहीं मालूम है तो आपको फिल्म के बारे में क्या मालूम होगा। मगर उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि उनका ये कहना है कि ये फिल्म नहीं एक फिक्शन है जो कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने के लिए बनाई जा रही है, और जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री द्वारा जो है इस फिल्म को दर्शाया गया है, मगर जो सच्ची घटना पर आधारित है और पूरा भारत इस फिल्म को लेकर प्रशंसा कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी इस फिल्म की प्रशंसा की गई, मगर वहीं पर कश्मीर के नेताओं द्वारा जो है इस फिल्म को लेकर जो है लगातार कटाक्ष साधते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये फिल्म नहीं, ये सिर्फ दो कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने की मंशा से इस फिल्म को दर्शाया जा रहा है। और इस फिल्म को लेकर जो है लगातार आज एक बार फिर से सज्जाद गनी लोन द्वारा जो है एक पत्रकारों से सवाल, जब उनसे उन्होंने सवाल पूछा तो उनसे ये जवाब में आया कि ये फिल्म नहीं एक फिक्शन है। और आपकी क्या कुछ राय है, आप इस फिल्म को किस तरह से देखते हैं और कश्मीर के नेता है उनके बयानों को आप किस तरह से देखते हैं, और आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। और जिस तरह से पूरा भारत कश्मीर फाइल्स की प्रशंसा कर रहा है, आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए, कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो फिल्म है ये एक फिक्शन फिल्म है, वो अतुल अग्निहोत्री क्या है उसका नाम, मैं अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से उसको राज्यसभा एमपी बना ले, वरना वो पता नहीं क्या क्या बना लेगा। इन सबको होता है, आजकल एक नया फैशन निकला है, चाहे वो अनुपम खेर साहब हैं, ये इन सबका एक है भी हमें राज्यसभा जाना है, इनको चाहिए उनको राज्यसभा में बनाए, अदरवाइज दे विल ड्राउन दिस कंट्री इन हेट एंड हेट।